दोस्तों एक दो नहीं पूरे 45 देशों की सेनाएं अचानक भारत आ रही हैं और कुछ ऐसा होने वाला है जो अब से पहले कभी नहीं हुआ है। ये एक ऐसी खबर है जिसने चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी है। यहां तक कि चीन का ग्लोबल टाइम्स भारत को धमकियां देने पर उतर आया है। आखिर क्यों 45 देशों की सेनाएं भारत आ रही हैं और ऐसा क्या होने जा रहा है जिस पर हर भारत विरोधी ताकतों की नजर है, इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके साथ ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC और LOC के लिए भारतीय सेना हाईली इफेक्टिव एंटी आर्मर वेपन उतारने जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 45 देशों की सेनाएं भारत आ रही हैं। दरअसल दोस्तों भारतीय नौसेना ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है जिसे इस क्षेत्र में काफी सीरियसली लिया जा रहा है, क्योंकि एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलान 2022 होने जा रही है। अब इसमें नया क्या है, क्योंकि भारत तो हर साल ना जाने कितनी वॉर एक्सरसाइज अलग देशों से करता है, लेकिन दोस्तों यह जो एक्सरसाइज है इसे अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज माना जा रहा है। इसके लिए बाकायदा इंडियन नेवी ने हाइब्रिड मीटिंग तक कंडक्ट की है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी फिजिकली भी और वैसे भी प्रेजेंट थे। इसमें टोटल भारत ने 45 देशों को इंक्लूड किया है। अब दोस्तों इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाने के कुछ मेजर पर्पस हैं, जिसमें पहला तो म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना है, वहीं दूसरा पर्पस किसी भी अनहोनी के लिए हर समय तैयार रहना और कैसे एक दूसरे की मदद करना, वहीं तीसरा पर्पस कोऑपरेशन है। यह एक्सरसाइज 25 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च को खत्म होगी। वहीं दोस्तों इंडिया इसी साल 2022 में ही डिफेंस रिसर्च और डिफेंस एक्सपो भी गुजरात में कराने जा रहा है। ये 11 से 13 मार्च तक रहेगा, जिसमें इस बार कई देशों की नजर भारतीय हथियारों पर रहेगी। ऑलरेडी इस साल की शुरुआत बेहद शानदार रही है। सिर्फ 20 दिन के अंदर ही ब्रह्मोस और हेलीकॉप्टर की डील फिलीपींस और मॉरिशियस से भारत ने कर ली है। पिछले 5 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 334% तक बढ़ा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है उस देश के लिए जो कि हमेशा विदेशों से हथियार खरीदता आया है। आज भारत से दुनिया के 75 देश हथियार खरीदते हैं। भारत टॉप 20 देशों में भी शामिल हो गया है। वैसे तो इंडियन नेवी ने 2021 में कई सैन्य एक्सरसाइज की है जिसमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस, UK के साथ शामिल है। वहीं भारत ने मालाबार एक्सरसाइज को भी पिछले साल कंडक्ट किया था, जो कि भारत की एक ह्यूज अचीवमेंट थी। भारत अपनी नेवी पर पिछले 5 सालों में काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। वहीं लगातार भारतीय नेवी को ताकतवर बनाया जा रहा है। हालात यह है कि एक समय जहां हम भारतीय नेवी का कंपैरिजन पाकिस्तान से करके खुश होते थे क्योंकि चीन हमसे बेहद ज्यादा ताकतवर था समुद्र में, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। हम पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करते क्योंकि हम इस समय चीन के कंपैरिजन में आ खड़े हुए हैं। 21वीं सदी आइडियाज और एनर्जी की होने वाली है। जो देश आत्मनिर्भर और नई नई तकनीक विकसित करेगा वही देश दुनिया पर राज करेगा। यही कारण है कि भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ, जो कि हाईली इफेक्टिव एंटी आर्मर वेपन को लेकर है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं बहुत दिनों बाद आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को अवश्य दबा लें। मैं डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना ने एक बेहद ही घातक एंटी आर्मर हथियार को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ चुना है। ये एक ऐसा हथियार है जिसके एक ही वार से एंटी आर्मर वेपन भी फेल हो जाएंगे। चीन के मिलिट्री व्हीकल के खिलाफ इसे सबसे ज्यादा घातक बताया जा रहा है। 14वें दौर की बातचीत फेल होने के बाद चीन ने LAC पर सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया है, जिसमें टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल है। अब इन्हीं को तबाह करने के लिए सेना ने सिंगल शॉट वेपन चुना है। दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साब के 84 सिंगल शॉट वेपन सिस्टम की। इसे सिंगल शॉट वेपन सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने फर्स्ट फायर में ही सामने वाले का काम तमाम कर देती है। इसमें 84mm की हाई कैलिबर एक्सप्लोजिव सेल यूज किए जाते हैं। यह एक तरह का एंटी टैंक लॉन्चर है जो कि 20 इंच मोटी परत वाले टैंक तक को नष्ट कर सकते हैं। इससे दुश्मन सेना के चेक पोस्ट, बैंकर या फिर मिलिट्री व्हीकल को उड़ाने के लिए यूज किया जाता है। इसे जवान अपने कंधे पर रखकर कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। मिलिट्री सर्वे के मुताबिक यह अब तक का सबसे सफल एंटी आर्मर सिस्टम है, इसलिए भारतीय सेना से लेकर अमेरिका तक 30 देश इसे इस्तेमाल करते हैं। अब इसे जल्द ही LAC और LOC पर भारतीय सेना के हाथों में दे दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।